क्लास 12 का टॉपिक पॉलीमर चल रहा था, जिसका पार्ट नंबर 12 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 11 पार्ट कर लिए हैं और इसके अंदर हमारा औद्योगिक महत्व के बहुलक टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने पॉलीथीन कर लिया, जिसकी एकलक इकाई एथीन होती है। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में आता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसकी जो एकलक इकाई है वो होती है वाइनिल क्लोराइड। क्या होती है? वाइनिल क्लोराइड। इसको कर लिया हमने। पॉलीएस्टर, जिसके अंदर इसकी एकलक इकाइयाँ तीन अलग अलग प्रकार की पड़ी थी हमने, डीव कार्बोक्सिलिक अम्ल व डाइओल लेकर के, डीव एस्टर और डाइओल लेकर के, और एक हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्वतः संघनन से। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट औद्योगिक महत्व का जो बहुलक आता है वो है टेरिलीन, या फिर उसको क्या बोला जा सकता है, डेक्रोन। ये भी क्या है, एक पॉलीएस्टर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एस्टर ग्रुप होते हैं, इसलिए टेरिलीन को हम एक पॉलीएस्टर बोल सकते हैं। इसकी जो एकलक इकाई होती है वो देखिए, टेरी का अर्थ टर्थेली कमल, टेरी का अर्थ टर्थेली कमल, एक एकलक इकाई टर्थेली कमल, लीन का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, लीन का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल। जो टेरिलीन है उसकी जो एकलक इकाई है वो दो होती हैं, एक टर्थेली कमल होता है और एक एथिलीन ग्लाइकोल होता है। यहाँ पर हम इसको बनाने की विधि कर रहे हैं, टेरिलीन के बनाने की विधि, या अपने ऐसे कह सकते हैं बहुलीकरण की विधि, बहुलीकरण की विधि। तो टेरिलीन को हम पहले कर चुके हैं, दो बार पहले बना चुके हैं इसको, एक बार फिर देखिए, क्योंकि ये औद्योगिक महत्व का बहुलक है इसलिए हमें एक बार फिर करना पड़ेगा इसको। और ये होता है टर्थेलिक अम्ल। क्या होता है? टर्थेलिक अम्ल। और इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H इधर कोई टर्थेलिक अम्ल जुड़ेगा उसके साथ में, और ये किसी एथिलीन ग्लाइकोल के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी N एकलक इकाई ले लें और इसकी N एकलक इकाई ले लें, तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, वो NH2O बाहर निकलेगा। NH2O एक छोटे अणु का बाहर निकलना, जैसे देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पर बॉन्ड लगा करके, ब्रैकेट लगा करके पीछे N लगा देंगे, छोटे N अणु बाहर निकल गए और दोनों एकलक इकाइयाँ जुड़ गई। N एकलक इकाइयाँ जुड़ी, यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? टेरिलीन का निर्माण हो गया, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? डेक्रोन बोला जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर हमने टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल लिया है, इसीलिए हम टेरिलीन जो होता है उसको PET भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है पॉली एथिलीन टर्थेलेट, टर्थेलेट ये नाम भी हो सकता है इसका, या ये पूछा जा सकता है PET का पूरा नाम क्या है, या PET के बनाने की विधि लिखिए, या PET को क्या बोला जा सकता है, पॉली एथिलीन टर्थेलेट। अब देखो, यहाँ पर टर्थेलिक अम्ल लिया है हमने, इसकी जगह टर्थेलिक एस्टर भी ले सकते हैं हम, टर्थेलिक एस्टर भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, H की जगह अगर हमने R जोड़ दिया तो ये टर्थेलिक एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्थेलिक एस्टर हो जाएगा, ठीक है।
और या हम एच की जगह जोड़ दें सी टू एच फाइव, तो ये हो जाएगा डाई एथिल एस्टर। क्या हो जाएगा? डाई एथिल एस्टर, क्योंकि ये इधर भी जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा, दोनों जगह एच की जगह, तो इसलिए इसको पोली एथिलीन टर्थेलेट भी बोल सकते हैं या पी टी बोल सकते हैं। टेरिलीन डेक्रोन एक पोली एस्टर है, पी ई टी के नाम से भी जाना जा सकता है, पोली एथिलीन टर्थेलेट। यहाँ पर एक लक इकाई टर्थेलिक अम्ल लिए, इसकी जगह टर्थेलिक एस्टर भी ले सकते हैं और डाई एथिल एस्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि टेरिलीन या डेक्रोन एक पोली एस्टर है और पोली एस्टर के लिए हम एस्टर समूह को ले सकते हैं। ये बन गया टेरिलीन या डेक्रोन। अब औद्योगिक महत्व के हैं तो इनके कुछ ना कुछ उपयोग होंगे। सबसे पहली बात आती है इसका उपयोग, यानी कि जो टेरिलीन या डेक्रोन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, यानी कि वस्त्र बनाने के जो उद्योग होते हैं उनमें वस्त्र बनाने के लिए टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि ये टेरिलीन का कपड़ा है, तो वस्त्र उद्योग में उपयोग होता है। या रस्सियां बनाने में, रस्सियां बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसका उपयोग नावों की पाल, नावों की पाल बनाने में भी किया जा सकता है। जैसे आप पानी के अंदर नाव चलाते हैं ना, तो वो उनकी जो पाल होती है वो यहाँ टेरिलीन या डेक्रोन से बनती है। तो ये था हमारा चौथा औद्योगिक महत्व का बोलक, टेरिलीन या डेक्रोन, जिसको पॉलीएस्टर बोला जा सकता है या इसको पीईटी भी बोल सकते हैं, पॉली एथिलीन टर्थेलेट। इसकी जो एकलक इकाई है वो टर्थेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल है। टर्थेलिक अम्ल की स्थान पर हम टर्थेलिक एस्टर ले सकते हैं। अगर इस एच के स्थान पर आर आता है तो टर्थेलिक एस्टर हो जाएगा। अगर एच के स्थान पर सी टू एच फाइव आता है तो इसको डाई एथिल एस्टर बोल देंगे। इन दोनों का संघनन बहुलीकरण करवाते हैं और जैसे ही संघनन बहुलीकरण करवाते हैं तो यहाँ से NH2O छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे एस्टर ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीएस्टर भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेरिलीन एक पॉलीएस्टर होता है। इसके उपयोग वस्त्र उद्योग में उपयोग कर सकते हैं, रस्सियां बनाने में हम उपयोग करते हैं और या नाव की पाल बनाने में भी हम टेरिलीन या डेक्रोन का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा था चार नंबर औद्योगिक महत्व का जो बहुलक है टेरिलीन। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बहुलक आता है वो है नाइलॉन सिक्स। कौन सा? नाइलॉन सिक्स। तो उसके बाद में हम पांच नंबर जो बहुलक कर रहे हैं वो है नाइलॉन सिक्स। हमने एक नाइलॉन सिक्स सिक्स भी किया है और ये नाइलॉन सिक्स है सिर्फ। तो इसकी जो एकलक इकाई है उसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी एकलक इकाई जो है वो एप्साइलन कैप्रोलैक्टम। कौन सी होती है? कैप्रोलैक्टम। एकलक इकाई के रूप में कैप्रोलैक्टम को काम में लेते हैं। उसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव पांच सी एच टू जुड़े होते हैं तो इसको बोला जाता है कैप्रोलैक्टम। इसके आगे एप्साइलन लगाते हैं हम तो एप्साइलन कैप्रोलैक्टम। इसको काम में लेकर नाइलॉन सिक्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कह दिया कि ये कैप्रोलैक्टम है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कैप्रोलैक्टम बनता कैसे है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कैप्रोलैक्टम बनाने की विधि, कैप्रोलैक्टम बनाने की विधि, कैप्रोलैक्टम बनाने की विधि।
इसमें देखो सबसे पहले हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 11th क्लास में पढ़े हैं, तो जो एल्केन होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो एल्कीन होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और जो एल्काइन होता है उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एल्केन की फॉर्म में एक कार्बन वाले को मेथेन, दो वाले को, एक कार्बन को मेथेन, दो को एथेन, तीन को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बोलते हैं, इसलिए ये हेक्सेन आ गया। लेकिन जब ये सारे कार्बन इस तरीके से एक दूसरे के साथ सर्किल फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है साइक्लो, क्या बोला जाता है, साइक्लो, यानी कि सर्किल की फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये क्या एक प्रकार की साइक्लोएल्केन है, क्या है, साइक्लोएल्केन। एल्केन तो इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है और सर्किल फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोएल्केन, जो फर्स्ट ईयर में आता है। लेकिन हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन या एल्केन को काम में लेते हैं, इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण, क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे ही साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये यहाँ कार्बन है इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, सी जो साइक्लोएल्केन है या साइक्लोहेक्सेन है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कार्बन CH2 की फॉर्म में ऐसे जुड़ा हुआ है इस तरीके से। अब देखो हमने ऑक्सीकरण करवाया तो यहाँ वाले दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल गए और यहाँ इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कंडीशन आ जाएगी। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, हमने इसको सीधा बॉन्डिंग के रूप में लिख दिया, यहाँ CH2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक जो कॉर्नर है वो एक कार्बन को शो कर रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण करवाते ही। अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोला जाता है, कीटोन। तो साइक्लो सर्किल फॉर्म में है, 6 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और कीटोन के लिए क्या आता है, ओन, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, ओन, ओन, ओन लगाते हैं अपने कीटोन के लिए, तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स, और क्या हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पीछे क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। इस साइक्लोहेक्सेनोन की NH2OH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और NH2OH जो होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिलेमीन, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। ये हाइड्रोक्सिल एमीन ही साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, निकाल दिया हमने बाहर, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, ये कार्बन इस तरीके से इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है और ये कार्बन और इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, N और O और H। जब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के रूप में निकलता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, ऑक्सीम का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ऑक्सीम का, या फिर अपने ये कह सकते हैं साइक्लोहेक्सा ऑक्सीम बन जाएगा, या सीधा ऑक्सीम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, इसका बेकमान पुनर्विन्यास करवाएंगे, बेकमान पुनर्विन्यास करवाएंगे, और बेकमान पुनर्विन्यास करवाने पर ये जो कार्बन है इसके साथ तो ये ऑक्सीजन रह जाएगा और ये एन है वो बीच में अलग से बॉन्ड बना लेगा, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ
और ये N और H इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट हो गया, एक कार्बन ये बन गया, फिर दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, इसको एक बार दोबारा बना देती हूँ ऐसे, फिर यहाँ से और इस तरीके से और ऐसे जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 पांच सी एच टू आने चाहिए बीच में, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू की 5 और एन एच, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि ये और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या बन गया, कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। ये क्या है कैप्रोलैक्टम, अगर कोई ऐसे बनाना चाहे तो बना सकता है, यानी कि नाइलॉन 6 अगर पेपर में आता है तो आप इसको पूरा बनाकर भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को ये पूरा प्रोसीजर मुश्किल लग रहा है तो ये कैप्रोलैक्टम है, और इस कैप्रोलैक्टम से हम डायरेक्ट ही क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 6 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नाइलॉन 6 बना सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ बना रही हूँ, इसका नाम मिटो दिया था मैंने, एक बार फिर लिख देती हूँ ऑक्सीम, ठीक है। अब देखो कैप्रोलैक्टम को लेंगे हम यहाँ पर, और कैप्रोलैक्टम लेकर के 1 2 3 4 5 ये कैप्रोलैक्टम है, इसमें क्या करेंगे H2O डाल करके इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने के पश्चात ये जो है कैप्रोलैक्टम, ये कार्बोक्सिलिक समूह बन जाएगा, यहाँ पे CH2 की 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये एप्साइलन एमिनो कैपोरिक कमल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एप्साइलन एमिनो कैपोरिक कमल, और इसके आगे N लगा देंगे, और यहाँ पर क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, बहुलीकरण। और बहुलीकरण करवाने के दौरान यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से NH2O बाहर निकल जाएंगे, छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे N, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है तो C डबल बॉन्ड O और CH2 की 5 और NH, और यहाँ बॉन्ड बना करके पीछे लगा देंगे N, ये हो जाएगा नाइलॉन 6, ये क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम नाइलॉन 6 की बात करें, जिसकी एकलक इकाई कैप्रोलैक्टम होती है, ये बना दिया हमने, ठीक है, ये कैप्रोलैक्टम है, क्या ये कैप्रोलैक्टम है, ठीक है। इस कैप्रोलैक्टम को सीधा ही आप ऐसे करके लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो बहुलीकरण का प्रोसीजर, या बहुलीकरण सीधा ही लिख करके आप ये बना सकते हो। लेकिन मैंने पूरा बताया आपको किस तरीके से बनता है, साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवा करके साइक्लोहेक्सेनॉन में चेंज होता है, फिर हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीम में चेंज होता है, बेकमान पुनर्विन्यास करवाने पर इससे ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट होता है, कैप्रोलैक्टम प्राप्त होता है। और कैप्रोलैक्टम में वाटर डाल करके गर्म करते हैं तो इसको एप्सिलॉन एमिनो कैपोरी कमल में चेंज कर दिया जाता है, फिर बहुलीकरण करवाते हैं तो यहाँ से H2O के अणु बाहर निकलते हैं और नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। तो ये हमारा था 5 नंबर औद्योगिक महत्व का बहुलक, और औद्योगिक महत्व के जो बहुलक होते हैं उनका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। तो हम नाइलॉन 6 के उपयोग की बात कर रहे हैं, तो उपयोग के अंदर देखिए सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, कौन से होते हैं, वाद्य यंत्र, जैसे वाद्य यंत्र के अंदर क्या होता है, गिटार या वायोलिन या सितार, ये जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं इनके जो तार होते हैं, यानी कि वाद्य यंत्र के जो अंदर काम में लेने वाले जो तार होते हैं, तार, उनको बुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नाइलॉन 6 का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइलॉन 6,
क्योंकि नाइलॉन 6 है ना, उसी से ही वाद्य यंत्र, गिटार, वायोलिन या सितार, जितने भी टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं उनके अंदर जो तार काम में लिए जाते हैं वो नाइलॉन 6 से बनते हैं। तो ये था हमारा नाइलॉन 6। तो हमारे ये आज 5 जो औद्योगिक महत्व के जो बहुलक हैं वो हो गए। बाकी नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।